हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे आप सब। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस लॉकडाउन में आप क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, बच्चे जो है पेंटिंग कर रहे हैं, तो इस समय बच्चों को बिज़ी रखने का ये तरीका सबसे अच्छा है। थोड़ा उनको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों, मोबाइल और टीवी से दूर रखिए। बहुत दूर तो नहीं रहेंगे वो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं बच्चों को, टीवी और मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल छीनने लगते हैं। और इस समय नवरात्रि भी चल रही है, तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन में बहुत अच्छा हो, सुख और समृद्धि आए। और बहुत लोगों का 9 दिन का उपवास भी होगा, तो आप सबके लिए ये रेसिपी लेकर आए हैं हम, लौकी का हलवा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और व्रत में खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने घी डाल दिया था कढ़ाई में और छोटी इलायची तोड़कर डाल दिया था। उसके बाद लौकी ग्रेट करके रखी थी हमने, वो डाल दी है। और ये हलवा जो है बहुत इजीली बन जाता है, बहुत कम चीज़ों के साथ, और बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें हम इसके बाद दूध भी ऐड कर देंगे साथ ही साथ, ताकि जो है दूध और लौकी एक साथ पके और उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। देखिए, यहाँ पर हमने दूध ऐड कर दिया है। ये फुल क्रीम मिल्क लिया था हमने। किसी भी हलवा या खीर में हमेशा फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करना चाहिए, तभी आपकी खीर या हलवा टेस्टी बनेगा। और यहाँ पर देखिए, हम अच्छी प्रकार से इसे मिक्स कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को पकने देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको अच्छी प्रकार से चलाते हुए हलवा पका रहे हैं हम। और अपने आप जो लौकी और दूध एक साथ मिलके पकेगा, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और लौकी पूरी तरह से गल जाएगी। और आप लोग भी क्या-क्या बना रहे हैं इस नवरात्रि में, और किसका किसका फास्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इस 9 दिन के फास्ट में, जिन लोगों का है। आलू और साबुदाने का वड़ा बना सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूरी बना सकते हैं, और राजगिरा भी खाते हैं व्रत में, तो राजगिरे का भी रोटी पराठा बनता है। थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको, वो बाइंड नहीं होता जल्दी, लेकिन हाथ से अगर थपथपा के बनाएंगे तो वो अच्छी प्रकार से बन जाएगा। राजगिरे के आटे का चीला भी बना सकते हैं, और शकरकंद मिले तो उसको भी आप व्रत में उसकी खीर या फिर उसका भी हलवा खा सकते हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सेंधा नमक डालकर आप व्रत में बहुत सारी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूध और लौकी जो है अच्छी प्रकार से पक चुके हैं और एक सार हो गए हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप शुगर ऐड करिएगा। वैसे दूध और लौकी की भी अपनी एक मिठास होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम ही मीठा डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और शुगर डालने के बाद वापस से
जो है इसको पकाया जाएगा, क्योंकि जो शुगर होती है वो भी अपना पानी रिलीज करती है, तो उसके साथ भी लौकी अच्छी प्रकार से पकेगी। और बहुत ही, इसके बाद देखिए इसमें हमने थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके पकाना है, और जितना भी पानी रिलीज हुआ है शुगर से उसको भी पूरी तरह से हमें जला देना है। ये देखिए लौकी पूरी तरह से गल चुकी है, और ये हलवा जरूर ट्राई करिएगा आप लोग, बहुत ही टेस्टी लगता है। जिन लोगों लोगों का उपवास नहीं है वो भी लोग इसे ट्राई कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हम लोग घरों में बंद हैं, अपनी सुरक्षा के लिए ही हैं घरों में, बंद नहीं कहेंगे हम उसे। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने अपने घरों में ही रहें, जब तक कि ये चीज़ें जो है नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हो जाती हैं, तब तक प्लीज़ आप सब अपने घरों में ही रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए। और अपना खूब ख्याल रखिए, अपने घर में आसपास स्वच्छता रखिए, और इसके लिए प्रे कर सकते हैं हम लोग कि ये चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएं। और यही कहना चाहते हैं कि आप सब इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लीजिए, इस तरह से जो हम लोग घरों में बंद हैं, तो इसको भी हम एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा हलवा डन हो चुका है पूरी तरह से, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। ये हलवा आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।